गाइज, आज के इस वीडियो में आपको 1 रुपए के 3 सिक्कों के बारे में बात करने वाला हूं। और तीनों सिक्कों की अगर कीमत की बात की जाए तो 18,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की वैल्यूएशन जाती है। लेकिन कौन सा सिक्का किस बेस पे आपको कितनी कीमत दे सकता है, ये इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा। 1990 में जारी किए गए तीनों सिक्के कॉपर निकल धातु से इश्यू किए गए थे। ध्यान से देखना इस वीडियो में, रेयर सिक्का कौन सा है, कॉमन सिक्का कौन सा है और स्केयर सिक्का कौन सा है, कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है। पहला सिक्का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1 रुपए का सिक्का, दूसरा सिक्का है वासुदेव कुटुंबकम का 1 रुपए का सिक्का और तीसरा सिक्का है नोएडा मिंट का 1990 में जारी किया गया 1 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का। तीनों सिक्कों की अगर वैल्यू की बात की जाए तो 20,000 से भी ऊपर जाती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन ये सिक्के कौन सी कंडीशन में रेयर हुए हैं, किस वजह से रेयर हुए हैं, वो वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास में भी ऐसे 1 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको इन सिक्कों की कीमत के बारे में नहीं पता है या फिर आप इनको कैसे सेल करें ये भी नहीं पता है, तो वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको बताऊंगा कैसे सेल करेंगे, कहां सेल करेंगे, सेल करने का प्रोसेस क्या है और रेयर सिक्के की पहचान क्या है। ये तीन चीज आपको बहुत ही मोस्टली ध्यान देके समझना होगा। तो गाइस, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1 रुपए के इस सिक्के से, जिसको आप लोग इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला जो सिक्का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये सिक्का आपको कौन सी कीमत में अच्छी खासी वैल्यूएशन दे सकता है, इसमें क्या वजह है कि ये सिक्का रेयर है। तो सबसे पहले तो हमें इस सिक्के की फिजिकली डिटेल जान लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से सिक्के की डिटेल पता चलती है कि सिक्का रेयर क्यों हुआ है। तो ये जो सिक्के हैं 1990 में जारी किए गए थे कॉपर निकल मेटल में। सिक्के का वजन 6 ग्राम होता है, डायमीटर 26 mm होता है और थिकनेस 1.5 mm होता है और शेप सिक्के का राउंड होता है। और अगर बात करें इस सिक्के की मिंट मार्क की, तो ये 2 मिनटों में इश्यू किया गया था मुंबई और हैदराबाद की मिंट से, जिसमें आपको मुंबई मिंट के सिक्के में देखने को मिलेगा यहाँ पे एक डायमंड का मिंट मार्क, सिक्का हैदराबाद की मिंट का होता है तो उसके अंदर आपको स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता है। इससे आप इस सिक्के की पहचान कर देते हैं, जिससे मतलब ये सिक्का कौन सी मिंट में जारी किया गया है, मुंबई मिंट का है तो डायमंड और हैदराबाद मिंट का है तो स्टार का मिंट मार्क। यहाँ पे सिक्के को जो रेयर बनाता है वो बनाता है सिक्के में बने हुए डॉट, जो यहाँ पे भी आपको डॉट देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों सिक्कों में डॉट बने हुए हैं। इससे आप ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये एक कॉमन सिक्का है जो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको वो रेयर सिक्का भी दिखाने वाला हूं जो इस सिक्के को रेयर बनाता है और उसकी वजह क्या है, वो है इस सिक्के को एक म्यूल होना। अब ये सिक्का म्यूल कैसे हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज देखनी है कि इस सिक्के में आपको यहाँ पे डॉट देखने को मिल रहे हैं, जो कि अब आपको यहाँ पे डॉट देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब ये एक प्लेन जो इसकी जो दांती है वो एकदम बिल्कुल प्लेन में देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे एक डॉट का सर्कल देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये सिक्का रेयर हो जाता है, मतलब ये एक म्यूल कॉइन है, म्यूल कॉइन में आपको यहाँ पे ये डॉट देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये एक रेयर सिक्का है। अगर वैल्यू की बात की जाए आज के टाइम पर इस सिक्के की, तो ये सिक्का आपको दिला सकता है UNC कंडीशन में 20,000 रुपए तक। ये डिपेंड करता है कि आपका सिक्का मतलब कौन सी कंडीशन में है और उसकी कितनी डिमांड है, ये दोनों चीज डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एस्टिमेट प्राइस दे रहा हूं, 20,000 तक की वैल्यू भी ये सिक्का आपको दे सकता है, 18,000 से 20,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। लेकिन सिक्का होना चाहिए ये वाली एज वैरायटी, मतलब जहां पे इसमें आपको डॉट का सर्कल देखने को मिलता है, आपके सिक्के में एक साइड डॉट का सर्कल नहीं होना चाहिए, तो वो एक म्यूल सिक्का होता है, वही सिक्का रेयर होता है। अब ये सिक्का म्यूल हो क्यों जाता है, तो इसके लिए हमें दूसरे एक सिक्के को देखना होगा। तो अब जो सिक्का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोनों ही साइड जो सिक्के देखते हैं, दोनों साइड सिक्के की प्लेन एज देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको वो डॉट का सर्कल देखने को नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे एकदम प्लेन है दोनों साइड में। तो ये है वासुदेव कुटुंबकम का 1 रुपए का सिक्का, ये भी कॉपर निकल धातु से ही इश्यू किया गया था और इस सिक्के में भी आपको सेम ही वेट देखने को मिलता है, 6 ग्राम, डायमीटर 26 mm, थिकनेस 1.43 mm और शेप सिक्के का राउंड है। 1990 में इस सिक्के को इश्यू किया जाता है और 1990 में ही पहले वाले सिक्के को इश्यू किया गया था। और एक चीज और इन सिक्कों में कॉमन है, वो ये है कि दोनों ही सिक्के मुंबई और हैदराबाद की मिंट से इश्यू किए गए। जो म्यूल कॉइन है वो आपको देखने को मिलेगा मुंबई की मिंट से, जिसमें आपको
डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा, वो सिक्का रेयर होगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इस सिक्के से वो सिक्का म्यूल हुआ था। म्यूल कॉइन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला सिक्का अगर आपके पास होता है तो इसकी वैल्यू आपको 18,000 से लेकर 20,000 रुपए तक मिल सकती है। तो ये दोनों सिक्कों की आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास में वासुदेव कुटुंबकम का 1 रुपए का सिक्का होता है तब भी इसमें भी आपको कुछ इसी तरह से एक म्यूल वैरायटी देखने को मिलती है। ओवर भाग इसका जो डॉट देखने को, जहां पे इसमें प्लेन देखने को मिलता है उस सिक्के में आपको डॉट देखने को मिलेगा, और वो सिक्का भी एक रेयर सिक्का है। इतना ज्यादा रेयर तो नहीं है, क्योंकि ये सिक्का रेयर होने की वजह ये है कि सिक्के की कम मिंटेज थी और उसके बाद में भी इसमें एक म्यूल कॉइन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा सिक्का ज्यादा रेयर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिक्के के बारे में। अगला सिक्का हमारे पास में है 1990 में जारी किया गया नोएडा मिंट का 1 रुपए का सिक्का। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब आप जो ये सिक्का देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है नोएडा मिंट का 1 रुपए का सिक्का, जिसको आप इस टाइम पे देख सकते हैं। ये नोएडा मिंट का 1990 का सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, ये हमें जानना जरूरी है इस वीडियो के अंदर। तो नोएडा मिंट के सिक्के हैं ये भी भारत के चारों ही मिंटों से इश्यू किए गए थे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा की मिंट से, जो कि 1983 से लेकर 1991 तक इश्यू किए गए थे, जिसमें आपको सारी मिंटें देखने को मिलेगी। तो इसमें भी सेम ही जो पहले वाले सिक्के हमने देखे थे उसमें भी 6 ग्राम जो वजन होता है वही सेम वेट इस सिक्के में भी देखने को मिलेगा। डायमीटर 26 mm का, थिकनेस 1.47 mm का, शेप सिक्के का राउंड है और ये भी कॉपर निकल का ही सिक्का है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओनली नोएडा मिंट के सिक्के की। तो नोएडा मिंट का जो 1 रुपए का सिक्का होता है इसकी वैल्यू की बात की जाए आज के टाइम पर, तो UNC कंडीशन में इसी को परचेज करने के लिए आपको 150 से 200 रुपए खर्चने पड़ सकते हैं। अगर अगर आप इस सिक्के को सेल करना चाहते हैं तब भी आपका 100 से 150 रुपए तक की वैल्यू ये सिक्का आपको दे सकता है UNC कंडीशन में। ठीक ठाक फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको 50 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है 1990 का नोएडा मिंट का सिक्का। एक कलेक्टिबल सिक्का है लेकिन रेयर सिक्का नहीं है, स्केयर बोल सकते हैं, और मतलब एक कलेक्शन के लिए अच्छा सिक्का है। तो इस वीडियो में हमने 1 रुपए के 1990 के 3 सिक्कों के बारे में बात की जो कि कॉपर निकल धातु से जारी किए जाते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जो रेयर सिक्का है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1990 का म्यूल कॉइन। इस सिक्के का आप कलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं वीडियो से, और इससे आप अपना सिक्का मैच करवा सकते हैं। अगर आपके पास भीमराव अंबेडकर के 1 रुपए के सिक्के पड़े हैं तो हो सकता है कि आपके सिक्कों में भी ऐसा सिक्का देखने को मिल सकता है। सेल करने के लिए आप nandu.rj23 इंस्टाग्राम पे फोटो भेज सकते हैं और नीचे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो आपसे वहां पे भी बाय कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, और ये वीडियो